हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट। जिससे बनाने के लिए देखिए, ये मैंने चावल की बोरी ली हुई है। आप सीमेंट की भी ले सकते हैं या फिर खाद की बोरी भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने डबल में फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, इस पर 4 इंच निशान लगाऊंगी। ये देखिए, 4 इंच इधर लगा लिया और 4 ही इंच इधर लगाऊंगी। देखिए, अब यहाँ से हम इसको ऐसे रख के ऐसे, देखिए ये मैंने एक लाइन कर दी इस पे। अब देखिए, इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो मैं इसको 3 पीस में इस तरीके से कट करूंगी। बराबर के पीस होने चाहिए आपके। जितना बड़ा आप बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से कट लगा देंगे। ये देखिए, सभी पीसेस इतनी बड़ी होने चाहिए आपके। अब देखिए, यहाँ से मैं इसके धागे निकालूंगी ऐसे, इस तरीके से। दोनों तरफ से इसको हमें ऐसे ही निकालना है। इसी तरीके से इधर भी निकालेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से बराबर निकालेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सभी पट्टियां इधर से इसके धागे निकाल दिए हैं और इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, मैं एक इसका बेस ले रही हूँ, जिसकी चौड़ाई लंबाई अपने अकॉर्डिंग आपको रखनी है। और देखिए, अब मैं इसको कैंडल से थोड़ा सा ऐसे करके जला दूंगी, ताकि ये खुले नहीं, या फिर आप सिल भी सकते हैं। इस तरीके से चारों तरफ मैं इसको कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों तरफ इसको ऐसे जला लिया है। अब देखिए, मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं एक पट्टी लूंगी इसकी स्ट्रिप, और देखिए इसको ऐसे यहाँ से इस तरीके से रखूंगी, और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे अंदर के साइड फोल्ड कर दूंगी, ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। और सेंटर से मिला के ऐसे देखिए, इधर को रखा है मैंने बिल्कुल आधा, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसके सेंटर में। ये देखिए, इस तरीके से इसके सेंटर में एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आप सिलाई मशीन से भी इसको सिल सकते हैं। देखिए, हल्का सा इधर को इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इस धागे को कट करेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा इसको यहाँ तक सिल लिया। अब देखिए इसको पलट देंगे, ऐसे ऐसे करके पलटते जाएंगे यहाँ से। ये देखिए जहाँ से सिलाई लगी है वहीं से ऐसे पलट दिया इसको, थोड़ा सा ऐसे कर प्रेस कर देंगे हाथ से। आप देखिए दूसरी पट्टी रखेंगे ऐसे, इसके पास में ही रखनी है इस तरीके से, और यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से इसको भी मैंने सिल लिया। अब इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस पर ऐसे। और ये देखिए तीसरी पट्टी लूँगी, उसको मैं सिलूँगी यहाँ से, थोड़ा सा इसके पास से ही सिलना है, वो पलट के इसके ऊपर आ जाए ऐसे यहाँ से। तो मैं इसी तरीके से पूरा इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने पूरा सिल के कम्प्लीट कर लिया है, और ये बहुत ही प्यारा बन के कम्प्लीट हुआ है। बहुत ही इजीली ये बन जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।